हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो अभी उड़ीसा में मॉनसून आ चुकी है, थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन हीट अभी भी है। तो थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ सोची शेयर कर दूं यहाँ का जो अपडेट है। तो अभी बिना देर के हुए अभी वीडियो को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मंथली फेवरेट्स, यानी कि मेरी जो फेवरेट्स हैं इस मंथ, यानी कि मॉनसून के लास्ट मंथ में जो एक्चुअली फ्लाइट जा रही है। फ्लाइट के ऊपर तो कंट्रोल नहीं है हमारा, कभी भी जा सकती है, तो मुझे नहीं पता था अभी फ्लाइट यहाँ से गुजरेगी। तो चलिए, हाँ तो मैं बोल रही थी कि मॉनसून के जो लास्ट समर्स के जो लास्ट मंथ में मैं कौन से जो फेवरेट चीज़ें जो है मैं इंजॉय की यूज़ करना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, यानी कि आप लोग बोल सकते हो कि मंथली फेवरेट्स हैं मेरे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी, बहुत सारे कैटेगरी में है एक्चुअली, रैंडम प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा बहुत कैटेगरी वाइज भी दिखाऊंगी, जैसे कि स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, फिर एक्सेसरीज वगैरह थोड़ा बहुत दिखाऊंगी। तो इस मंथ जो मैं इंजॉय की हूँ सबसे ज़्यादा, वो सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं स्टार्ट करूँगी हेयर केयर से। तो हेयर केयर में मैं आप लोगों के साथ बस दो तीन प्रोडक्ट ही साइड में यहाँ पर मैं रख ली हूँ नीचे, सो दैट आप लोगों को मेरे लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाए और आप लोगों को दिखाने में थोड़ी सी मुझे इजी हो जाए। तो हेयर केयर में ये है बायोटिक का आर्गन ऑयल फ्रॉम मोरक्को, नॉन स्टिकी हेयर रिवाइव्स थिन डल एंड अनरूली हेयर, फार्म फ्रेश 100% बोटानिकल एक्सट्रैक्ट। सो ये बायोटिक का जो है आर्गन ऑयल है, तो मैं इसको, ये मेरा सेकेंड बॉटल है, फर्स्ट बॉटल जो है वो खत्म हो चुकी है, बस थोड़ा सा चाहिए आप लोगों को, क्योंकि सब ये बहुत नॉन स्टिकी फॉर्मुलेशन है और अनरूली फ्रीजी हेयर पर अच्छे से काम करती है। और समर्स में जैसे कि आप लोगों को पता होगा तो हेयर ऑयलिंग थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि स्वेटिंग होती है ज़्यादा और थिक ऑयल होता है तो थोड़ा कन्वीनियंट नहीं होता। तो ये नॉन स्टिकी फॉर्मुलेशन है और आप लोगों को पता होगा कि आर्गन ऑयल कितना अच्छा है हेयर के लिए, तो अच्छे से फ्रीजी हेयर पर और अनरूली और ड्राई डैमेज हेयर पर अच्छे से आप लोग बस पी साइज का ही चाहिए अगर आप शैम्पू के बाद यूज करते हो तो, और अगर आप नॉर्मल ऑयल की तरह आप लोग यूज करते हो तो नॉर्मल यूज करना बहुत ही असरदार है। और शैम्पू के बाद अगर आप सीरम की तरह भी यूज करना चाहते हो, थोड़ा सा इतना सा ड्रॉप सा क्वांटिटी में अच्छे से मसाज करके बालों में लगा लेना, देखना ये क्या करेगा, टेम डाउन करेगा आपके जो फ्रिजी हेयर को और जो डल डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं हेयर को वो अच्छे से मैनेज करेगा। तो ये हो गया, बहुत ही अच्छा एक ऑयल है, मैं आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूंगी आप लोग ज़रूर इसको यूज़ करना। तो ये एक ऑयल हो गया। उसके बाद ये बजाज आलमंड रब्स का हेयर सीरम भी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देख सकते हो, मैं इसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, अभी इतना ही बचा है, बहुत ही अच्छे से मैनेज करते हैं हेयर को और स्मूथ शाइनी, और शैम्पू के बाद जो थोड़ी सी फ्रिजीनेस आ जाती है हेयर में वो क्या करता है, अच्छे से मैनेज करता है और हेयर को स्मूथ शाइनी और बाउंसी करता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक हेयर सीरम है, हालांकि इसके साथ मैं यूज़ करती हूँ स्ट्रिक्स का और लॉरियल का हेयर सीरम भी यूज़ करती हूँ, लेकिन इसको मैं एक्चुअली, क्योंकि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँ, वो जितने काम देते हैं वो हेयर सीरम से, वो जिस तरह का काम देते हैं ये उसी का ही, उसी के लेवल का काम देते हैं, लेकिन प्राइस बहुत ही बजट फ्रेंडली है और हर कोई इसको यूज़ कर सकता है, तो बहुत ही अच्छा एक हेयर सीरम है। उसके बाद एक्चुअली ये ईयरली फेवरेट्स में जाना चाहिए मेरा, क्योंकि मंथली फेवरेट तो है नहीं, क्योंकि मैं इसको साल भर ही यूज़ करती हूँ, बी ब्लंट का इंटेंस मॉइस्चर शैम्पू एंड कंडीशनर सैलून लाइक हेयर और विथ होबा एंड विटामिन ई है, 300 ml के हैं और ये कंडीशनर 250 ग्राम का है, बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे से मेरी जो हेयर है इन जनरली थोड़ा बहुत, क्योंकि थोड़ी सी थिक है और
थोड़ा सा फ्रिजी भी रहता है हेयर, क्योंकि कलरिंग और ट्रीटमेंट के वजह से, केमिकल ट्रीटमेंट के वजह से थोड़ी सी फ्रिजी हो रखे हैं अभी आजकल। थोड़ी मैं केयर कर रही हूँ, बीच में बहुत ज्यादा कलर कर रही थी, अभी तो नहीं कर रही हूँ ज्यादा। तो ये बहुत ही अच्छे से उसका केयर करता है और इसकी प्राइस जो है 399 ईच है, तो अच्छा है और बहुत ही अच्छे से मैनेज करता है। क्योंकि मैं थ्रू आउट द ईयर इसी को ही यूज करती हूँ, इसके साथ और तो एक दो प्रोडक्ट यूज करती हूँ, लेकिन कॉन्स्टेंट ये दोनों ही रहते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मॉइस्चर हेयर में मॉइस्चर लॉस नहीं करते हैं, हेयर को अच्छे से मैनेज करके रखते हैं और फ्रिजीनेस को हेयर में आने नहीं देते। बहुत ही अच्छे दो शैम्पू और कंडीशनर हैं, जरूर ट्राई करना एक बार आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। सो अभी और एक हेयर केयर का प्रोडक्ट बाकी है, जो कि रोज मेरी हेयर स्प्रे, अभी जस्ट आप लोग देख सकते हो इतना ही बाकी है, अभी बनाऊंगी नेक्स्ट बैच। ये बहुत ही ज्यादा असरदार है हेयर के लिए, हेयर लेंथ के लिए, यानी कि आप लोग अगर हेयर ग्रोथ के लिए यूज करना चाहते हो, बहुत ही अच्छा है। हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, हेयर में वॉल्यूम और थिकनेस लाता है, बहुत ही असरदार है ये रोज मेरी हेयर स्प्रे। ये हो गया हेयर केयर का। फिर अभी दिखाती हूँ एक स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी। अभी दिखाती हूँ एक बॉडी वॉश, जो कि आप लोग इसका भी रिव्यू डाल चुकी हूँ, यहाँ पर आई बटन में दे दूंगी। लक्स एसेंस ऑफ हिमालय रोज एंड एलोवेरा ब्राइटनिंग बॉडी वॉश 400 ml का है। इसको मैं बहुत यूज कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग लिटरली देख सकते हो इतना तक यूज कर चुकी हूँ मैं। बहुत ही अच्छा एक है, बहुत ही खुशबू, बहुत रोजी, जैसे कि यहाँ पर रोज और बाकी सब जो बॉटेनिकल हिमालयस का बॉटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स जो है इसमें यूज हुआ है, रोज का, एलोवेरा का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एकदम से रोजी फ्रेग्रेंस है, बहुत ही अच्छा स्मेल इसकी जो है। तो मैं इसको यूज करती आ रही हूँ, साथ ही साथ टैन रिमूव करती है और एक ग्लो लाता है स्किन में ये। तो बहुत ही अच्छा एक बॉडी वॉश है, स्पेशली समर्स के लिए, अच्छे से क्लीन भी करता है। उसके बाद अभी मैं दिखाऊंगी एक्चुअली ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का, ये एक्चुअली 4 combo soaps था, ये लेमन ग्रास का शायद, और ये ऑरेंज का, और एक शायद सैफ्रॉन का या फिर रोज का कुछ होगा, और इसका और एक मेंथोल वाला मैं अभी यूज कर रही हूँ बॉडी वॉश के साथ, ऑन एंड ऑफ इसको यूज करती आ रही हूँ। और ये कॉम्बो ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का एक मुझे मिला था कुछ ऑफर में, गूगल पे में अगर आप पेमेंट करते हो, कुछ कूपन कोड वगैरह आता है पेमेंट करने के बाद, उसमें मैं लाई थी, कॉम्बो का कुछ ऑफर था। तो ये इसका जो सनस्क्रीन SPF 60 वाला है, आप लोग देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा है, मॉइस्चराइज रखता है। और काकाडोप्लम, अकाई बेरी और चिया सीड का इसका मैं रिव्यू आप लोग अगर बोलोगे डाल दूंगी। तो ये जो कॉम्बो है बहुत ही अच्छे होते हैं, जैसे कि ऑरेंज और रोज और ये लेमन ग्रास समझ के लिए तो बहुत ही अच्छे होते हैं। साथ साथ ये जो सनस्क्रीन भी बहुत ही असरदार है, सन के साथ SPF 60 के साथ आता है, बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करता है ये स्किन को हमारा सनरेज से। और ये सोप बहुत ही अच्छे हैं, डिटैन करते हैं और टैनिंग को रिमूव करते हैं, साथ ही साथ एक बहुत ही फ्रेग्रेंस इसके बहुत ही अच्छे हैं और फ्रेश रखते हैं, और साथ ही साथ अच्छे से क्लीन करते हैं, मजा आता है इसको यूज करने में। तो ये हो गया सनस्क्रीन और ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के सोप्स। फिर यहाँ पर मैं जो DIY एक जेल मैं अभी कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर करी थी, इसको आई बटन में दे दूंगी। इसको भी मैं, ये मेरा सेकंड या फिर थर्ड बैच है, इसको मैं यूज करती आ रही हूँ, बहुत ही अच्छे से ये मॉइस्चराइज रखता है, साथ ही साथ समर के सारे प्रॉब्लम के साथ डील करता है। थ्रू आउट द ईयर आप लोग यूज कर सकते हो, डिटैन करता है, साथ ही साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स के, स्किन के पिगमेंटेशन, एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। मैं पूरा डिटेल्स रिव्यू इसका जो DIY में मैं डिटेल्स में शेयर की हूँ, आई बटन में डाल दूंगी, आप देख लेना। बहुत ही असरदार ये एक प्रोडक्ट है जो मैं DIY बनाई हूँ, बहुत ही असरदार है, लिटरली मैं इसको डेली यूज करती आ रही हूँ अपने नाइट स्किन केयर रिजीम में, तो जरूर इसको ट्राई करना। फिर यहाँ पर वैसलिन का ग्लूटा है, ये मेरा सेकंड वाला ट्यूब है, जब से मैं लाई हूँ मैं इसको भी यूज करती हूँ, मैं इसको रात में यूज करती हूँ।
बहुत ही अच्छा है, ये ड्यूई एक फिनिश देता है आपके स्किन में, एक ब्राइटनेस स्किन में लाता है, ग्लो लाता है, साथ ही साथ खुशबू इसकी बहुत ही अच्छी है, आप लोग को मजा आ जाएगा इसको यूज करने में। साथ ही साथ सनबर्न को ये रिमूव करता है और स्किन में एक नेचुरल ग्लो लाता है, स्किन को यूथफुल रेडियंट बनाता है और हेल्दी ब्राइट वैसलिन का ग्लूटा है, ड्यूई रेडियंस ड्यूई रेडियंस सेरम इन लोशन है, बहुत ही अच्छा है, नॉन स्टिकी फॉर्मुलेशन है, समझ के लिए तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। फ्लेयर ये 10x मोर पावरफुल देन विटामिन सी है, तो बहुत ही अच्छा एक मॉइस्चराइजर है सेरम फॉर्म में, तो आप लोग जरूर ट्राई करना इसको। उसके बाद ये एक बॉडी ऑयल है, जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल 300 ml का, इसको भी ये नॉन स्टिकी फॉर्मुलेशन है और स्मेल इसकी वो क्योकार्पिन का एक आता था ना उस टाइप का, मैं मुझे ये चाइल्डहुड अपना याद दिलाता है क्योंकि बहुत यूज कर चुकी हूँ वो वाला जो हेयर ऑयल, वो वाला जो बॉडी ऑयल है, तो इसको मैं लाई थी और इसको एक्चुअली मैं यूज करती हूँ, ये मेरा थर्ड बॉटल है मैं इसको यूज करती हूँ। आप लोग बात के बाद आफ्टर बात बॉडी ऑयल की तरह भी यूज कर सकते हो, नॉन स्टिकी फॉर्मुलेशन है, बहुत ही खुशबू इसकी लिंगर करती है बहुत ही देर तक, साथ ही साथ मॉइस्चराइज रखता है इसका। अगर आप लोग रिव्यू चाहते हो मैं दे दूंगी, इसमें ऑलिव ऑयल है, फिर बहुत सारे हर्ब्स भी हैं इसमें, तो यहाँ पर ये इन विंटर आफ्टर बाथ इन समर बिफोर बाथ भी आप लोग इसको यूज कर सकते हो, इसमें लिखा हुआ है सब कुछ, जरूर इसको ट्राई करना, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में मिलता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर यार्डले का एक रोल ऑन यूज कर रही हूँ जो कि इंग्लिश ब्लॉसम में है, डिओड्रेंट रोल ऑन, और फ्रेग्रेंस इसकी बहुत ही अच्छा है, मेरी जो नेस है इसको उसको बहुत पसंद है, वो मुझे बहुत मांगती रहती है कि उसको थोड़ा लगा दो मुझे काकीमा, तो इसको मैं यूज करती आ रही हूँ, बहुत ही अच्छा है, आपके अंडर आर्म्स को ये ज्यादा स्वेटी होने नहीं देगी और बहुत ही अच्छी एक खुशबू छोड़ेगी और बहुत ही अच्छा लगेगा इसको यूज करने में, आप लोगों को फ्रेश रखेगी आपको थ्रू आउट द डे और समझ के लिए बहुत ही अच्छा है, मैं इसको ट्रूली थोरोली इंजॉय करती हूँ समझ में। ये हो गया स्किन केयर के, फिर अभी दिखाती हूँ मेकअप में है एक्चुअली। फर्स्ट मैं आप लोगों को पॉन्स का नेचुरल ग्लो फेस पाउडर, ये आपको सेटिंग पाउडर की तरह भी यूज करती हूँ मैं इसको, साथ ही साथ नॉर्मल कहीं पर थोड़ा बहुत जाना होता है या फिर आसपास में कहीं पर जाना होता है, मेकअप करना नहीं होता है, इसको यूज करो तो यू आर गुड टू गो, तो बहुत ही अच्छा है, इसका रिव्यू भी मैं कर चुकी हूँ यहाँ पर डाल दूंगी, बहुत ही अच्छा है, इसको मैं यूज करती आ रही हूँ स्पेशली मेरे स्किन टोन पर, वो जो और एक बीबी वाला है वो शायद थोड़ी सी मीडियम स्किन टोन के लिए अच्छा है, लेकिन नॉर्मल टू फेयर स्किन टोन के लिए बहुत ही अच्छा है, स्पेशली मेरे स्किन टोन के लिए तो बहुत ही अच्छा है, परफेक्टली सेट हो जाता है, मेकअप के बाद भी आप लोग यूज कर सकते हो सेटिंग पाउडर के तौर पर, तो देखिए बहुत ही अच्छा है। तो फिर उसके बाद ये जो मेबलिन का न्यूयॉर्क सेंसेशनल लिक्विड मैटिक ब्रिक रेड कलर का एक लिपस्टिक है, इसको मैं बहुत बार अपने वीडियोस में भी शेयर कर चुकी हूँ, इसको मैं बहुत यूज कर रही हूँ क्योंकि समर्स में ये सारे कलर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। फिर एक मैं प्लम टाइप का एक कलर मैं आजकल इंजॉय कर रही हूँ जो कि है फेसेस कैनेडा का कम्फी मैट, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राइंग नहीं है ये और बहुत ही लाइट है, यहाँ पर आप लोग इसके पैकेजिंग देख सकते हो, ये वाला शेड जो है बहुत ही अच्छा है, एक प्लम टाइप का शेड है, इसको भी मैं बहुत यूज करती हूँ क्योंकि समर्स में थोड़ा ब्राइट और समरी शेड्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो ये दोनों इस मंथ के मेरे फेवरेट्स हैं लिप कलर में। फिर आजकल मैं बहुत सारे स्क्रंचीज यूज करी हूँ क्योंकि हेयर प्रॉब्लम यानी कि हेयर का जो फ्रिजीनेस होता है ज्यादातर हमारे रबर बैंड के लिए ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग उसको टाई के लेते हैं, जब निकालते हैं थोड़ा बहुत बाल उसमें खींच के आ जाते हैं, फिर इसमें थोड़ा फ्रिक्शन होता है बहुत सारे रबर बैंड्स के लिए हेयर में, जो कि हेयरफॉल होता है और स्प्लिट एंड्स भी होते हैं, तो स्क्रंचीज हमारे लिए बहुत ही सेफर साइड में है, बहुत ही हेयरफॉल को कम करता है क्योंकि स्क्रंचीज में लिटरली कुछ भी हेयर आता नहीं है, आप जो
जब निकालते हो, साथ ही साथ फ्रिजिनेस भी बहुत हद तक कम करता है। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी सिल्क वाला यानी कि इस वाले मटेरियल का पिलो कवर और जो आप लोग हेयर कैप शार्क कैप हो गया या फिर हेयर जब आप सुखाते हो उसका भी टॉवल यूज करना बहुत ही अच्छा रहता है। फ्रिजिनेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं, हेयरफॉल भी कम होता है क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कम होते हैं सिल्क में। तो फिर उसके बाद तीनों में नेल पेंट्स आजकल बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ। ये एक जूडियो का लाइलक कलर में जो कि बहुत ही अच्छा है, इसको भी बहुत सारे वीडियोस में आप लोग देखे होंगे। फिर जैकलिन का ये वाला जो नेल पेंट्स हैं ये 199 इंच के हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ये एक वही प्लम बरगंडी टाइप का है और ये स्काई ब्लू कलर का है जो कि तीनों आजकल मैं बहुत यूज कर रही हूँ। ये दोनों ग्लिटर शेड में है और ये नॉर्मल जो होते हैं शाइन जेल शाइन वाला। तो उसके बाद में आई शेडो पैलेट में मेकअप रिवोल्यूशन में एक ये है टैमी रिवोल्यूशन मेकअप रिवोल्यूशन का, क्योंकि इससे मैं आजकल मेकअप करती हूँ, अभी भी की हूँ। इसमें बहुत सारे वेराइटीज ऑफ कलर हैं, कलर्स इसमें आप लोग देख सकते हो। लिटरली सारे आउटफिट के साथ ये आपके मैच कर जाएंगे, आप लोग मिक्स एंड मैच करके भी यूज कर सकते हो। इनफैक्ट मैं अभी जो लिप्स में यूज की हूँ थोड़ा न्यूड टाइप का कलर यूज करके एक मेटलिक मैट वाला शेड उसमें इसी आई शेडो पैलेट से यूज की हूँ, जो कि बहुत ही ट्रांसफर नहीं होता आप लोग देख सकते हो और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। आप लोग डीआईवाई कर सकते हो और इसको भी यूज कर सकते हो। उसके बाद मैं आप लोगों को एक सनग्लास दिखाऊंगी जो कि ओपीएम का, मेरे लास्ट वाले सनग्लास हॉल का वीडियो देख लेना आई बटन में। तो समर्स में जैसे कि मैं बोली ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स अच्छे लगते हैं, तो ये वाला शेड मैं बहुत यूज की हूँ, बहुत ही पसंद है मुझे ब्लूइश टाइप का और बहुत ही स्टाइलिश और ट्रेंडी लुक देते हैं, तो बहुत ही अच्छे हैं सारे जो हमारे मैं सारे जो प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। उसके बाद शूज में दिखाऊंगी मैं ये वाला जो कि कुछ दिन पहले मैं H&M गई थी वहां पर मुझे दिखा, तो ये वाला देख सकते हो बहुत ही अच्छे है। तो हील टाइप के हैं ये, बहुत ही अच्छे लगते हैं और स्टाइलिश ट्रेंडी लगते हैं। मैं इसको यूज कर चुकी हूँ बहुत दिन से और बहुत ही स्टाइलिश, जो भी मैं जहाँ पर भी जाती हूँ कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं मुझे, बहुत ही स्टाइलिश शूज हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं और स्टाइलिश, और साथ ही साथ हाइट भी थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि मैं 5'1" हूँ और मेरी हाइट थोड़ी सी कम है, तो ऑब्वियसली 5'1'2" के जो भी जितने भी सारे गर्ल्स हैं वो समझ सकते हैं। तो हील्स बहुत ही एसेंशियल है तो मैं इसको यूज करती हूँ। साथ ही साथ मैं दो मैक्सी ड्रेसेस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी देख चुके हो। ये देखिए, ये एक फुल स्लीव का आप लोग ऑफ व्हाइट में पीच कलर का एक मैक्सी ड्रेस है जो कि कॉलर फॉर्म में है, शर्ट स्टाइल में है और लिटरली आपके एंकल लेंथ तक ये हो जाता है और इसमें टाई अप भी है वेस्ट में, आप लोग इसको यूज कर सकते हो। मैं भी यूज की हूँ ये वाला एक है, आजकल मैं मैक्सी ड्रेसेस बहुत यूज करती हूँ। और एक ये भी एक फ्लोई समरी पैटर्न में ग्रीनिश येलो इस पैटर्न में है ऑफ व्हाइट के ऊपर, ये भी बहुत ही अच्छी है। इसको मैं शायद पैंटलून से लाई थी और जो मैं अभी पहननी हूँ ये आप लोग देख सकते हो, नेक में स्लिप्स में और नीचे बॉर्डर में बहुत ही फ्लोई एक गर्ली मैक्सी ड्रेस है, बहुत ही अच्छा लगता है समर्स में स्पेशली और मुझे बहुत पसंद है समर्स में क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है वेयर करने में। और इसके बाद एक्सेसरीज में मैं ज़्यादा डेली वेयर में गोल्ड यूज करती हूँ और मुझे पसंद है गोल्ड में, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ। और ये वाला एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है, आजकल ये बहुत ट्रेंड में है इस टाइप के बैंगल और ये मैं अभी यूज कर रही हूँ 2 महीने से शायद हो गया, मुझे बहुत पसंद है लिटरली। तो ये हो गया स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, फैशन लाइफस्टाइल वाले कुछ प्रोडक्ट्स जो कि मैं लास्ट मंथ अभी भी चल रहा है मेरा,
तो मैं यूज़ करती आ रही हूँ। मेरे ऑल टाइम फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं समर्स के लिए, क्योंकि इस टाइप के प्रोडक्ट्स में समर्स में ज़्यादा पसंद करती हूँ यूज़ करना। और ये आज इस मंथ के यानी कि टिल डेट अभी भी यूज़ कर रही हूँ उसको। तो ये मेरे मंथली फेवरेट्स हैं फैशन, लाइफस्टाइल, ब्यूटी, हेयर केयर, स्किन केयर और एक्सेसरीज के। तो आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ज़रूर बताना मुझे कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करने को बोलना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।